हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपने घेर में, घेर तो समझ ही गए होंगे, अपने प्लाट को कहें जहाँ हमने नया घर बनाया, घेर में चले जाए। कल की तरह मैं, प्रीति और चिंकी जाई कल के जैसे सुबह से, वही रोज वाला रूटीन है हमारा। तो प्रीति ने नाश्ता बनाया, गुड्डू ने झाड़ू करी, फिर प्रीति ने पोछा करा, मन ने बच्चों को नुहाए, और आज मैं बच्चों का रिजल्ट भी लेकर आया। रिजल्ट तो खत्म है बच्चों का? हाँ जी। प्रीति खुश नहीं है, बच्चों का रिजल्ट बढ़िया नहीं आया। मैं खुश नहीं हूँ, तो लो जा, बहुत होशियार है, बहुत सारे अपनी क्लास में एक भी पोजीशन नहीं लाया कोई सा भी। आरू सारूसी और नंदिनी, हाँ। कोई भी तीनों में से अपनी क्लास में पोजीशन नहीं लाया। परसेंटेज तो ठीक ठाक है उनकी? परसेंटेज तो बढ़िया, आरू की 92 है, आरू की 85 है। चलो, कोई पोजीशन लाना ही कोई जरूरी थोड़ा ही है, बच्चे बढ़िया सब पढ़ लें, उतना ही होता है। क्या पता आगे जाकर कुछ बढ़िया आदमी बन जा, पोजीशन वाले यही रह जा। तो चलो घर चलेंगे, तो मार्कशीट जो है उनकी दिखाऊंगे, आपको भी शेयर करेंगे आपके साथ, कितने कितने परसेंट मार्क्स लाए हुए बच्चे। पांचों के बढ़िया है, मार्क्स तो ठीक ठाक ही हैं, और क्या, फुल में से फुल ही लाओ बिल्कुल। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कम होने चाहिए। तो फिलहाल चलो, पहले तो वही कपड़े हैं, वही धोने, प्रीति धोगी कपड़े। मन ने तो कल की तरह अपनी चारपाई डाली, देखो दरवाजा खोलते ही बाहर तक की हवा है, वहाँ लेटो थोड़ी देर, चला होगी साइकिल, तब तक यहीं चला लिया बेटा, अंदर ही है, बाहर ना जाइए, धूप हो रही बाहर। तो घर जा रही, घर जावे, जाओ आराम से जाना। हाँ, दो तीन चक्कर लगा लो फिर चले जाइए। फ्रेंड्स, मशीन में डाल दिए कपड़े, कपड़े धोने का काम तो मशीन अपने आप करती रहेगी, और प्रीति ने तब तक यहाँ झाड़ू लगानी शुरू कर दी। इधर भी बहुत मिट्टी हो रही थी, क्योंकि खुला है ना अभी, तो हवा में धूल मिट्टी उड़का हुआ है इधर से, और धूल जम रही थी बहुत सारी, तो यहाँ पर झाड़ू कर दी, और अब गैलरी में कर देंगे, कूड़ा बाहर निकाल लेंगे। गेट खोलने से तो ये कूड़ा वापस ही आ रहा था अंदर, लेकिन गेट बंद करना पड़ा, तब जाके ये कूड़ा उधर इकट्ठा होगा और बाहर निकाल लेंगे इसे, बाहर इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देंगे। धूल मिट्टी कुछ इतनी ज़्यादा लग रही थी कि थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ा पाइप से, कुछ पानी चला दिया यहाँ, पानी चला कर रड़का मार देंगे, देखो कितनी मिट्टी। हाँ, पानी डालकर रड़का मार दो, साफ हो जा। और अभी तो इस मार्बल की घिसाई होनी, इसलिए छोड़ रखा है इसे, ऐसे ज़्यादा सफाई इसलिए नहीं करते, ये बोरे बोरे हटा देंगे यहाँ से, जब इसकी घिसाई होगी तब जाके ये साफ होगा और चमकेगा बढ़िया, तभी साफ सुथरा रखा जा करेगा यहाँ पे। इस पर पानी रहने देते, इस पर तो चिपक जाएगी शायद मिट्टी, ये वाला भी अच्छा। चलो फिर रड़का मारने से मोटी मोटी सी मिट्टी तो उतरी जा गया, और बढ़िया तरीके से साफ हो जाएगा कुछ, रड़के से तो इतनी मिट्टी रहेगी भी एक बार झाड़ू करने से। घिसाई के बाद तो वाइपर चल जाया करेगा, इस पर वाइपर से साफ हो जाया करेगा। अभी अभी रड़का लगाया था, पानी गिर के झाड़ू लगाई, साफ करा, और ये देखो लालू केसरिया दोनों आके कैसे बैठे हवा खाने के लिए यहाँ पर। इधर मशीन चली रही है, प्रीति धो रही कपड़े, एक बार के तो धो गए, थोड़े से तो फैला दिए, कितनी देर लगेगी और कपड़े थोड़े ही थे आज, कपड़े तो आज थोड़े से बस कल ना, दो दिन के थे, जिसमें से ज़्यादा थे। अच्छा, इसमें सुखा रहे, सुखाने वाले में है थोड़े से कपड़े, अभी कुछ थोड़े से तो उधर फैला दिए। इन्हें बच्चों को परसों मैगी बना के दी थी भाई, और इन्हें इतनी पसंद आ गई, आज फिर मैगी मंगवाई इन्होंने। और प्रीति ने पहले से पैकेट रखे थे, वो बना ली, और वो दो तीन बच्चों को मिली थोड़ी थोड़ी सी, ये जा रहे थे घेर में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा मतलब कि पहले चिंकी दीदी पहले कहना, चिंकी दीदी पहले कहना, समझ गए? उसका हजम भी हो जाएगी नहीं? हाँ, वो कह रहे चिंकी दीदी ने पहले भी खा ली थी, वो पहले भी खा ली थी जब गुड्डू ने बनाई, अब का फिर भी नंदू दीदी कहना बेटा, कहियो चिंकी दीदी। अच्छा, कमी खाई थी, चलो कोई बात, आराम से खा लो, तेज नहीं बोल करते, आराम से बोल लग रहे हैं प्यार से, हैं दीदी भी खाओगी, आप भी खाओ, रोटी तो खाओगे, मैगी इसी शर्त पे मिली, एक एक रोटी खानी पड़ेगी सबको, हैं, खा लेगा ठीक। हाँ भाई, माही एक रोटी भी खानी, किस तरह खावे भाई, आराम आराम से खा बेटा, थोड़ी 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 खा रहे, थोड़ी थोड़ी मैदा हो रहा है, चबा चबा खा रहे हैं, गले में फंस जा नहीं हो, पेट में दर्द करता है, नहीं निकलते से, थोड़ी थोड़ी खा, चबा चबा के खा, या नहीं भाई? हाँ। जैसे और उसी खा रही थोड़ी थोड़ी है बेटा, मैं तो एक एक खा, एक एक। फ्रेंड्स, शाम के 4 बज गए हैं, और
प्रीति को लेकर आज डॉक्टर के यहाँ जाना। प्रीति के एक पैर में दर्द है, पहले तो कुछ अंग्रेजी दवाई खिलवाई थी, यूरिक एसिड टेस्ट कराया था और एक्सरे कराया था पैर का, तो उसमें तो कुछ आया नहीं। और अंग्रेजी दवाई का मामला ये है कि जब तक दवाई खाती रहे तो आराम से महसूस होवे, एक टाइम की अगर दवाई छूट जाए तो पैर में दर्द शुरू हो जाए फिर से। तो मैंने सोचा है कि प्रीति को थोड़ी सी देसी दवा खिलवा दूँ, क्योंकि अंग्रेजी दवाएँ जो है नुकसान करती हैं, किडनी को भी नुकसान करती है और उनकी आदत हो जाती है। तो मैंने सोचा इनको या तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथी की कुछ दवाई खिलवाऊंगे, तो देसी दवा वाला एक डॉक्टर है उसके पास लेके जाऊंगा प्रीति को, और कुछ दवाएं देसी खिला के देखो अगर वहाँ से आराम मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि वे दवाइयाँ कम से कम शरीर को तो नुकसान नहीं करेंगी। तो फिलहाल अभी तैयार हो लिया, मैं हेलमेट ले लिया, चाबी ले ली और बाइक से जाऊँगे मैं और प्रीति। 15-20 किलोमीटर है हमारे घर से लगभग, और ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, आना जाना होगा, बस अपॉइंटमेंट ले रखा मैंने डॉक्टर से पहले ही। तो हो गए तैयार, चलें फिर। बाइक तैयार है हमारी, गेयर में खड़ी थी, यहाँ ला के खड़ी कर ली और चलो बाइक से चलते। जैसा कि थोड़ा सा लेट तो हम चले थे और दवाई लेकर आने में लेट हो गए, देखो और बाहर देखो, बाहर का देख कर नज़ारा पता लगेगा कितने लेट हैं, अंधेरा सा होगा नहीं तो। गुड्डू दीदी के पीछे बैठी साइकिल पे, हवा खा रही साइकिल की, बड़ा खुश हुई, बड़ा खुश हुई। क्यों चल नहीं रही? दो बच्चे तो साइकिल चलाने में बिजी हैं, प्रीति धो रही बर्तन, थोड़े से जो बर्तन रखे थे चाय वाय के होंगे इनके, और आज ट्रेनिंग चल रही चिंकी की, चिंकी टक उतना सीख रही, और सब्जी भी देखी चिंकी में किस तरह बनाई गई। आगे पापा सब्जी बनानी, हाँ जी आगे आटा, तेरे को गूथने का नहीं, वो तेरे जाते से ज्यादा है, हो छोटी है ना तो भी। चाचा जी मैं कह रही जब मैं हॉस्टल में चली जाऊं, मैं जब कर मारियो किसी के मारोगे? हां जा भी सके वो, नवोदय का एंट्रेंस दे रखा, अगर सिलेक्शन हो गया तो जा भी सके, नवोदय विद्यालय में हॉस्टल में रहना पड़ेगा फिर तो। हॉस्टल में क्या खुद कहूंगी, हॉस्टल में तो मैं सो बब्बू वहां भी बनी बनाई मिले, कैंटीन होए हैं। हां जी मैं इसका खाना पड़ेगा और क्या, चलो फिर भी कभी कभार सीख लेना चाहिए, पता नहीं कब बनाना पड़ जा या नहीं। हटो हटो साइकिल आ रही है। आरुष कहाँ गया आज, वो नहीं चला रहा क्या साइकिल? कंप्यूटर देख रहा होगा, माँ के अंडर में चल रही ट्रेनिंग चिंकी की, देखो माँ है इसकी, चिंकी की कोच। सब्जी भी इसने बनाई, चिंकी सब्जी भी देखी वो कैसे बनी? अच्छा क्या बनाया? तेल गिरा, जीरा गिरा, हाँ टमाटर गिरे, मटर गिरी, फिर उसमें आलू छोटे, फिर मेरे तपूज का नमक गिरा, मेरे तपूज का हल्दी गिरी, फिर मेरे तपूज का पानी गिरा। और बस ऐसे ही सीख जाएगी, एक आधी बार और बनाओगी उसमें सीख जाएगी, पहले भी बनाई थी एक बार। अच्छा सब्जी रोटी बनाओगे तो आज। चिंकी की ट्रेनिंग ख़त्म और चिंकी तो चले गई, हाथ धो गए और सब्जी में सिट्टी आ गई कुकर में, एक दो सिट्टी, क्या सिट्टी लगाओगे? बस तेरा देख लो, और आटा गूथ दिया चिंकी ने बढ़िया, या तुमने ही गूथा? ना बढ़िया बना रखा था। अच्छा चिंकी ने आटा गूथ दिया और प्रीति बनाई है रोटियाँ। हाँ बच्चों के शौक की बात है, अपने शौक को ही करें, नहीं तो कोई करवा रहा थोड़ा उन पर बताया। और इधर चाचा जी इसे ड्राइंग बनाना सिखा रहे हैं नंदिनी को, सिखा रहे क्या हाल है इस पर? तो देखो किसमें कर रहे, पेंसिल में कर रहे, कलर कर रहे। अच्छा वो तो दिखाओ मेंढक कहाँ बनाया आपने, मेंढक में कैसे कलर भरे आपने? वाह ये तो भाई बहुत बढ़िया कलर भर दिए इसमें, देख के ऐसे ही भर दिए जैसे इधर है। हाँ थोड़ा सा रह रहा वैसे इसमें, यहाँ सब व्हाइट व्हाइट है, ये भी भरने कलर इसमें मेंढक में तो सब भर दोगे। और नंबर कितने आए ड्राइंग में आपके? और फिश में कितने नंबर आए? चार, कम है ये तो, दस में तो दस आने चाहिए थे। मैडम ने 10 में से 10 दिए नहीं? नहीं सर, नहीं मिले थे 10 में से 10। 10 में से 10 नहीं लिखे, अगली बार बढ़िया बना के आइए तब सर 10 में से 10 लिखेंगे, ठीक है?
तो फ्रेंड्स प्रीति को जहाँ लेके गया था दवाई दिलाने के लिए, वहाँ उन्होंने देसी हकीम या डॉक्टर जो भी कहेंगे देसी दवाई वाले, उन्होंने एक तो सलाह दी कि झराई करनी कई दिन तक दो तीन दिन तक गुनगुने पानी से पैर की झराई करनी, और दूसरा उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी हैं, और झराई के अलावा क्या बताया जो ट्यूब हो ना दर्द वाली ओमनी जेल वगैरह कोई भी, तो उसकी मालिश करनी, और पैर में जहाँ दर्द है उस पर ऊपर से नीचे की तरफ मालिश नहीं करनी, बल्कि क्या बताया नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करनी है ऐसे। और बाकी दवाइयाँ दी उन्होंने, ये दवाइयाँ हैं दोनों मिक्स करके एक एक चम्मच दूध के साथ सुबह शाम लेनी। तो दवाइयाँ मिक्स कर लिए दोनों, एक डिब्बे में मिक्स कर लिए दोनों, और चम्मच रख लिया उसमें, चम्मच से सुबह शाम दूध से लो। ये कह रहे थे कि 8-10 दिन बाद आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और एक महीने की दवाई दी है, एक महीने में कह रहे ठीक हो जाएगा। चलिए जो दवाइयाँ उन्होंने दी है इन्हें भी अप्लाई करके देखेंगे, यूज करके देखेंगे भाई कितना आराम मिला है 8-10 दिन। तो बीच बीच में कुछ अंग्रेजी दवाई भी ले लियो, क्योंकि एकदम से जब ये आराम नहीं करने की तो ये धीरे धीरे आराम करना शुरू करेंगे। देसी दवाएँ एकदम से आराम नहीं करती, तो तब तक बीच बीच में कुछ दवाई पिछले वाली भी लेती रही। वे कह रहे थे कोई साइड इफेक्ट नहीं है अंग्रेजी दवाई का, ले भी सकते हो इसके साथ में। तो दर्द अगर ज़्यादा होगा तो वह ले लियो, नहीं तो इस दवाई को छोड़ियो ना, एक भी टाइम है टाइम से लेनी दवाई।